For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इस बार बहुत कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी सेम सेम है. Yes, well, hello guys, welcome to Movies Adda. This is your host and those Jyoti Naha. सलमान खान की दबंग 3 का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था, धमाका मचाया था, ऑडियंस को बहुत पसंद आया था. वाओ, एक शायरी हो गई. जब ट्रेलर आया था, धमाका मचाया था, ऑडियंस को पसंद आया था और सबके दिलों पर छाया था. और अब गाने भी यू नो काफी पॉपुलर रहे हैं हमेशा से दबंग फ्रेंचाइज के, चाहे वो मुन्नी बदनाम ट्रैक हो या नैनो से रिलेटेड हर बार एक सॉन्ग जरूर होता है दबंग में, और इस बार भी है. इंशाल्लाह लोगों को काफी पसंद आएगा फिर से. लेकिन यहाँ पर एक या दो गानों की नहीं, बल्कि मैं पूरी फिल्म में जितने गाने हैं, यस, सारी की सारी लिस्ट लेकर आ गई हूँ आपके पास. क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में बोला है कि हमें दबंग के गानों के बारे में बताइए कि शूटिंग हो चुकी है या नहीं. वेल, शूटिंग तो पूरी फिल्म की पूरी हो चुकी है, सारे स्केड्यूल्स रैप अप हो चुके हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ पूरी लिस्ट लेकर गानों की कि कौन से सॉन्ग्स इस बार दबंग 3 में आपको नजर आने वाले. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला ट्रैक है ऑफकोर्स हुड हुड दबंग, जो कि जिसकी हमने धुन भी सुन चुके हैं. हम ट्रेलर में भी बैकग्राउंड स्कोर थ्रू आउट हुड हुड दबंग था. इट्स अ मासी नंबर बिकॉज ऑफकोर्स सलमान खान की जो फिल्म है यही इतना मास अपील ऐड करती है. सो इट्स अ वेरी मासी एंड वेरी ढिंचाक टाइप ऑफ नंबर. उसके बाद आता है मुन्ना बदनाम ट्रैक, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बज है बिकॉज हमेशा से दबंग फ्रेंचाइज में एक पॉपुलर आइटम ट्रैक रहा ही रहा है. और इस बार जबकि सलमान खान बदनाम होने वाले हैं मुन्ना बदनाम होकर, तो सलमान को आइटम ट्रैक करते हुए देखना वाकई दिलचस्प है. तो वो जो है वो एक ऑफकोर्स डांसिंग नंबर भी है इसमें. नंबर 3 है इस बार, थोड़ा डिफरेंट है, चिंगम चबाके. जी हाँ, चिंगम चबाके एक सॉन्ग है जो कि लिस्ट में तीसरा नंबर पे है. ये गाना चिंगम चबाके सॉन्ग फिल्म में रखा गया है. इट्स अ वेरी पेपी काइंड ऑफ नंबर, जहाँ पर आप देखते हैं कि यू नो तमाम स्टार कास्ट जो है वो एक साथ डांस करती हुई नजर आती है. अब ये गाना सई और सलमान के बीच में है या सोनाक्षी और सलमान के बीच में है, ये तो ये जब गाने रिलीज होंगे तभी पता चलेगा. उसके बाद आता है नंबर 4th सॉन्ग और मच इम्पॉर्टेंट सॉन्ग, क्योंकि सलमान की फिल्म दबंग हो और उसमें नैनो से रिलेटेड सॉन्ग ना हो, ये तो कभी नहीं हुआ. तो नैनो से रिलेटेड सॉन्ग इज अ मस्ट हैव इन दबंग 3. सो इस बार जो नैनो से रिलेटेड सॉन्ग है वो है नैना लड़े रह गए. जी हाँ, सो इस बार नैना लड़े रह गए सॉन्ग है दबंग 3 का, विच इज अगेन विच फॉल्स इन टू द रोमांटिक कैटेगरी. सो अभी तक 4 कैटेगरीज हो चुकी हैं, मास, डांस, पेपी, रोमांटिक. उसके बाद आता है सीटी, मुझसे बचती नहीं है, बट सीटी सॉन्ग. जी हाँ, हर बार पांडे जी सीटी बजाते हैं और धमाकेदार सीटी बजाते हैं, और इस बार भी सीटी ज़रूर बजेगी. गाना क्या होने वाला है इस बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, सीटी से रिलेटेड सीटी नाम का भी एक सॉन्ग रखा गया है. अगेन, इट्स अ डांसिंग नंबर. उसके बाद आता है सॉन्ग फरेबी. फरेबी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट जस्ट कैजुअल नोट पे एक गाना होता है जो कि यू नो फिल्म को सूट करते हुए, फिल्म की सिचुएशन को सूट करते हुए गाना रखा जाता है, वैसा एक सॉन्ग है फरेबी. तो कुल मिला के इस फिल्म में आपको मिलेंगे 6 गाने. जी हाँ, विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. आप इन सारे गानों में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस सॉन्ग के लिए हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे. एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हमारे चैनल मूवीज अड्डा को, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो. और हाँ, ये जो फिल्म है इसमें जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये जितने गाने हैं उसमें सबसे फेवरेट ट्रैक आपका कौन सा है और आप किस गाने के सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. फिर उस गाने से रिलेटेड मैं एक अलग ऑल्टुगेदर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जिसमें उस गाने की डिटेल्स होंगी. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ओपिनियंस दीजिए. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ.